राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बिना पटाखे के दिवाली मनाई जाएगी। जिला प्रशासन ने 14 नवंबर दीपावली के पहले और बाद में पटाखे व आतिशबाजी चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दीपावली के दिन भी केवल 2 घंटे रात्रि 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी की जा सकती है और उसमें भी कम प्रदूषण उत्सर्जन करने वाले या ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकते हैं। ऐसे आदेश गुरुग्राम के जिलाधीश व उपायुक्त अमित खत्री द्वारा दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 के तहत जारी किए गए हैं। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने 14 नवंबर को दीपावली के दिन पटाखे व आतिशबाजी चलाने के लिए 8 स्थान निर्धारित किए हैं, जहां पर लोगों को रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी। इनके अलावा जिले में अन्य स्थानों पर पटाखे व आतिशबाजी आदि चलाना प्रतिबंधित रहेगा। ये आदेश जिलाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अर्जुन गोपाल व अन्य बनाम भारत सरकार पर अन्य नामक 2015 के सिविल रिट पिटीशन नंबर 728 में सुनाए गए फैसलों की अनुपालना में दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि आम जन की सुरक्षा के दृष्टिगत तथा पर्यावरण में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत जारी इन आदेशों में जिलाधीश ने कहा है कि दीपावली के दिन आतिशबाजी निर्धारित 8 स्थानों पर ही छोड़ी जा सकती है। इनमें गुरुग्राम में सेक्टर 29 का हुडा ग्राउंड, लघु सचिवालय के निकट बेरीवाला पार्क हुडा ग्राउंड, सेक्टर 5 सेक्टर 47 में बख्तावर चौकी के पास सिटी सेंटर वाले खुले स्थान पर, सोहना में देवीलाल स्टेडियम, पटौदी में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का सेक्टर 1, हेलीमंडी में अग्रवाल धर्मशाला के निकट खाली जगह तथा फारूक नगर में पुराना रामलीला ग्राउंड शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। सबको नमस्कार। इस वक्त दिल्ली में कोरोना और पोल्यूशन दोनों का बड़ा कहर छाया हुआ है और दिल्ली के लोग, दिल्ली सरकार मिलके पूरे प्रयास कर रहे हैं इस स्थिति से निपटने के लिए। पोल्यूशन की वजह से कोरोना की स्थिति ज़्यादा खराब हो रही है। हर साल इस वक्त पोल्यूशन इन दिनों में होता है क्योंकि पराली जलने का धुआं दिल्ली की तरफ आता है। दुख की बात यह है कि पिछले कई सालों से ये हो रहा है लेकिन कोई भी ठोस कदम उन सरकारों ने अपने किसानों के लिए नहीं उठाया। उन राज्यों के किसानों से मेरी बात हुई और किसानों ने कहा, जी हम पराली जलाना नहीं चाहते, पराली जलाने से तो हमारी मिट्टी के, जमीन के बैक्टीरिया खराब हो जाते हैं, जल जाते हैं, हमारी मिट्टी कम उपजाऊ होती है, लेकिन हमारे पास चारा क्या है, हमारी सरकारों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो इस सिलसिले में दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया। दिल्ली सरकार ने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलके दिल्ली के लोगों ने एक समाधान दिया है कि अब पराली जलाने की ज़रूरत नहीं है। पराली के अंदर हम केमिकल अगर डाल दें, पूसा इंस्टीट्यूट ने एक केमिकल बनाया है, अगर वो केमिकल का छिड़काव कर दें तो 20 दिन के अंदर पराली जो है वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि अब ये साल आखिरी साल होना चाहिए जब हम इस धुएं से परेशान हैं। अगली साल से अब किसी भी सरकार के पास है कि भाई हम क्या करें, पराली जलाने का हमारे पास कोई चारा नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपको आ रहा है, हम देख रहे हैं चारों तरफ आसमान भरा हुआ है धुएं से और कोरोना, इसकी वजह से कोरोना की स्थिति और ख़राब हो रही है। तो इस बार, पिछली बार भी हम लोगों ने दिवाली के टाइम पर पटाखे ना जलाने की सौगंध खाई थी। दिवाली पे हम सब लोगों ने कनॉट प्लेस के अंदर, सारी दिल्ली के लोगों ने मिलके दिवाली मनाई थी। हम लोगों ने वहाँ पे लाइट शो रखा था, आप सब लोग कनॉट प्लेस आए थे। इस बार भी हम लोग सब लोग मिलके दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे। किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने, अगर पटाखे जलाएंगे अपने ही बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं हम लोग, अपने ही परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, अपने दिल्ली के परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। पटाखे नहीं जलाने, दिवाली एक साथ मनाएंगे। इस बार दिवाली के लिए हम अलग इंतजाम कर रहे हैं। दिवाली वाले दिन 14 तारीख को 7:39 से हम दिल्ली के सारे लोग एक साथ, दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके लक्ष्मी पूजन करेंगे। मैं अपने मंत्रियों के साथ,
दिल्ली में एक जगह लक्ष्मी पूजन शुरू करूंगा 7:39 पे, कुछ टीवी चैनल उसका सीधा प्रसारण करेंगे। मैं आप सबसे अपील करता हूं, दिल्ली के मेरे सभी भाइयों बहनों, मेरे सभी दिल्ली परिवार के लोगों से अपील करता हूं कि आप सब लोग उस वक्त अपना टीवी ऑन करके अपने अपने घर में अपने अपने परिवार के साथ मिलके बैठ के हम साथ वहां पे पंडित जी मंत्रोच्चारण करेंगे और आप उसके साथ साथ अपने अपने घर में लक्ष्मी पूजन करें। मैं समझता हूं कि जब दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके एक साथ एक ही स्वर में लक्ष्मी पूजन करेंगे, दिवाली का पूजन करेंगे, रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास से लौटने पे उनके आगमन उनका स्वागत करेंगे, तो पूरी दिल्ली के अंदर एक अद्भुत माहौल होगा, पूरी दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी तरंगे होंगी और मैं समझता हूँ इससे हमारी पूरी दिल्ली का भला होगा, दिल्ली के सभी लोगों का भला होगा, हमारे दिल्ली के हर परिवार के अंदर मंगल ही मंगल होगा। नमस्कार।